नमस्कार, आप देख रहे हैं प्लस टीवी। मैं हूं रवि। इस वक्त हाजिर हूं भागलपुर में और भागलपुर प्रमंडल के जो नए रीजनल मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन ऑफिसर हैं राहुल कुमार जी, उनसे बातचीत करेंगे कि स्वास्थ्य सुविधा को लेकर लगातार सरकार भी संवेदनशील है और बहुत सारी बदलाव भी देखने को मिल रही है, जिसमें विस्तृत जानकारी के लिए इस वक्त हम भागलपुर पहुंच चुके हैं और सीधे राहुल जी से बात करते हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले प्लस न्यूज को नमस्कार और जितने भी दर्शक हैं उनको भी नमस्कार। सर, पिछले दिनों हम लोगों ने देखा था कि जो प्रदेश के प्रधान सचिव हैं, जो बिहार के प्रधान सचिव हैं स्वास्थ्य विभाग के, प्रत्यय अमृत सर का यहाँ दौरा हुआ था और तमाम दिशा निर्देश भी सर ने दिया था। क्या कुछ सर बताया आप लोगों को, क्या कुछ दिशा निर्देश दिए और किस प्रकार के जायजा लिए थे? एक्चुअली नीतीश कुमार की आगमन यात्रा जो हो रही है उसी के रिगार्डिंग पब्लिक प्रत्यय सर जो है सब जगह उनकी भी भ्रमण हो रही है। यहाँ पे भागलपुर आते ही सबसे पहले उन्होंने इमरजेंसी वार्ड में भ्रमण किया, वहाँ पे देखा, रोगियों से बात की, संतोषजनक पाया। उसके बाद बहुत सारे वार्ड में भ्रमण किया, जीविका दीदी के पास ओपीडी देखा, दवाई को देखा, दवाई का लिस्ट जानकारी लिया, सब जगह उसने संतोषजनक पाया। एसएनसी में जहाँ पे बच्चों की भर्ती की जाती है वहाँ पे बहुत गहन जांच किए और जो भी जहाँ पे दिक्कत है उसको चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए भी और जहाँ पे कमी थी उसको फटकार भी लगाए, बहुत सारे दिशा निर्देश भी दिए। सर, लगातार देखा जा रहा है कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं में काफी ज्यादा बदलाव देखने को मिल रही है, चाहे साफ सफाई की बात करें या प्रॉपर मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, तमाम प्रकार की बदलाव नजर आ रही है। क्या कुछ दिशा निर्देश ऊपर से मिले हैं या अचानक से इतना बदलाव? सर, स्वास्थ्य विभाग में कुछ तो बदलाव, ड्रास्टिक बदलाव ऐसा दिखाई दे रहा है जिसको जनता भी, जिससे खुश है और जो पीड़ित पक्ष है, जो पेशेंट है, उन लोगों में भी खुशी नजर आ रही है बदलाव से। क्या कुछ दिशा निर्देश मिला है? पहला जो फेज चल रहा था हॉस्पिटल को जितने भी सुविधाएं थी, जितना भी जर्जर स्थिति थी सबको ठीक करने का, नीतीश कुमार तेजस्वी जो नई सरकार बनी गठन हुआ उसके बाद तेजस्वी जी का मिशन सिटी का प्रोग्राम लॉन्च किया गया, जिसके अंतर्गत जितने भी बिल्डिंग थी जर्जर, जितनी भी स्थिति में जो भी जहाँ यहाँ पे जिस चीज़ की सफाई से लेकर बिल्डिंग की जर्जरता को लेकर रोड के लेकर जितना भी सफाई सुथरा से लेकर सब पर ध्यान किया गया। और इसी के रिगार्डिंग अभी देखा जा रहा है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जितने भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, पहले डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को ही टारगेट किया गया है, अभी आपको देखने में बहुत सारे अंतर मिलेगी पहले की स्थिति में, अभी के अंतर में बहुत ज़्यादा आपको सफाई सुथरा और बिल्डिंग के पेंटिंग सेंटिंग रंगाई पोताई से लेकर बहुत सारे साफ सुथरा का ध्यान दिया गया है। और तो ये थे हमारे साथ भागलपुर प्रमंडल के जो मूल्यांकन पदाधिकारी राहुल कुमार सिंह, उन्होंने साफ तौर पर आपको बताया कि लगातार प्रशिक्षण शिविर भी यहाँ लगाए जाते हैं, आशा लोगों को जागरूक किया जाता है, उन लोगों को प्रशिक्षित किया जाता है और तमाम प्रकार की जो जानकारी है स्वास्थ्य संबंधी उसको इन्होंने मुहैया कराया। कैमरा पर्सन अमित के साथ रवि सिंह, तस्वीर पटना।